हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टेप अप लाइव्स। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो एक 5G फ़ोन देख रहे हैं अंडर 10,000, तो सारे चॉइसेस मैं आपके सामने रख दूंगा। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में होंगे, टू चेक इट आउट और अपना डिसीजन आप इन्फॉर्म तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहला फ़ोन जो 5G कैटेगरी में आ रहा है और अंडर 10,000 में आ रहा है, वो फ्लिपकार्ट पर पोको का M6 Pro 5G है। अगर आप देखें तो राइट नाउ ये अवेलेबल नहीं है मेरे कैंपेन कोड पर एक बहुत ही अच्छा 4GB 128GB रैम का फ़ोन है जो आपको 10,000 के नीचे मिल जाएगा। अगर आप इसकी स्पेशलिटीज़ को अगर देखना चाहें तो सबसे पहली बात यह है कि स्नैपड्रैगन का 4th Gen का सेकेंड प्रोसेसर मिल रहा है आपको। 4 नैनोमीटर का फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। साथ साथ में अगर आप देखें प्रीमियम डिज़ाइन है, 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 90Hz का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है जो काफ़ी कॉमन नहीं है इस केस में, और साथ साथ में साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ आपको एक 6.79 की स्क्रीन मिल जाती है। साथ साथ में अगर आप देखें तो 18 वॉट का चार्जिंग आपको मिल रहा है जो 5000 mAh बैटरी के साथ आ रहा है। तो इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट फ़ोन है 5G जो अंडर 10,000 है, और बिग बिलियन डे के सेल में आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली चेक करिएगा। साथ साथ में फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट पर खास डिस्काउंट होता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली चेक करिएगा। नेक्स्ट फ़ोन जो है वो निकल के आ रहा है जो अंडर 10,000 आता है। अभी ये कमिंग सून दिखा रहा है, बट डेफिनेटली ये अंडर 10,000 होगा फ्लिपकार्ट के स्केल द्वारा, जब मोटोरोला G45 5G का जो फ़ोन है 128GB 4GB रैम है, ये अराउंड 10,000 के नीचे आपको मिलेगा। जो भी स्पेशलिटी है इसकी अगर मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँ तो 6th Gen का प्रोसेसर है, साथ साथ में 128Hz का रिफ्रेश रेट, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, साथ साथ में 5G सपोर्ट करता है जिसके लिए हम ये फ़ोन को खरीद रहे हैं। साथ साथ में अगर आप देखें तो 4GB रैम होगा, 50 मेगापिक्सल का क्वाड पिक्सल कैमरा है, साथ साथ में कॉर्निंग कोरोला ग्लास यानी आपका जो ग्लास है वो बहुत ज़्यादा टफंड और अच्छा रहेगा, 5000 mAh की बैटरी है जो एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है, एंड्रॉयड 14 आपको मिलेगा। सो डेफिनेटली इसको कंसिडर करना बनता है, ये 10,000 के नीचे होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डेफिनेटली चेकआउट करिए। नेक्स्ट फोन जो है वो हमारे साथ आ रहा है IQOO का Z9 Lite 5G। आई एम गारंटी यू दिस विल बी लेस देन 10,000। ये अभी इसकी प्राइस है, लेकिन फ्लिपकार्ट की सेल में ये काफ़ी कम होगा, अराउंड 10,999 के आसपास। 50 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आता है, साथ साथ में 128GB एंड 6GB रैम के साथ आता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस इसका IP64 का है, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ में देखें 5G सपोर्ट के साथ 6GB प्लस 6GB एक्सटेंडेबल आता है। इसमें 2 ईयर्स एज वेल एज 3 ईयर्स सिक्योरिटी अपडेट है, साथ साथ में 90Hz का रिफ्रेश रेट जो बहुत ही बढ़िया बात है, ऐसे फ़ोन्स में नॉर्मली 60Hz तक मिलता है डिस्प्ले। साथ साथ में अगर आप देखें तो इसमें भी अच्छा सा कैमरा मिल जाता है। अगर आप एक IQOO के फैन हैं, अच्छे फोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं, तो ये एक फोन 10,000 के अंदर आपको मिल जाएगा 5G फोन। अगला फोन जो इस लिस्ट में आ रहा है वो Infinix का 55G फ़ोन है। ये भी जो फ़ोन है अभी आपको दिखा रहा है 10,000 के ऊपर, बट डेफिनेटली सेल के दौरान ये जो होने वाला है काफ़ी अच्छा बिल्ड डिज़ाइन है। अगर आप देखें तो 8GB 128GB का 48 मेगापिक्सल का IMX सोनी का सेंसर है इसमें, 8 मेगापिक्सल का सेंसर इन फ्रंट साइड, साथ साथ में 120Hz का आपको डिस्प्ले मिल जाएगा 6.7 इंच का जो HD+ डिस्प्ले है, विद 5000 mAh बैटरी, 18 वॉट्स का चार्जिंग, एंड्रॉयड 14 का अपडेट के साथ हॉट 5G। Infinix का फ़ोन 10,000 के नीचे 5G के लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया फ़ोन हो सकता है। साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि बिग बिलियन डे के टाइम पर आपको HDFC एज वेल एज फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक की तरफ से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेकआउट। हमने एक ऐसा वीडियो भी बनाया जहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इन क्रेडिट कार्ड्स को। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिएगा, वो विशलिस्ट कर सकते हैं बेस्ट 5G फोन्स अंडर 10,000। थैंक यू सो मच एंड बाय। Bye.